हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्राई कलर से वॉल हैंगिंग बनाएंगे, बड़ा सा फूल बनाएंगे जिसको आप डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं या वॉल हैंगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ट्राई कलर का बनेगा जो कि हम रिपब्लिक डे पे या कभी भी आप बना सकते हैं। उसको जरूरी नहीं है रिपब्लिक डे पे, कभी भी आप ट्राई कलर कोई और कलर लेके आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको नेशनल जो फ्लैग है हमारा उसके ट्राई कलर ले रही हूँ और उससे हम लोग उसको डिजाइनिंग करेंगे और वॉल हैंगिंग की तरह बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। आज हम ये ट्राई कलर फ्लावर बनाएंगे। ये वॉल हैंगिंग है एक तरह से, जिसको कि हम वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं या कहीं भी डेकोरेशन के पार्ट में यूज कर सकते हैं इसको। तो किस तरह से बनाते हैं, तो चलिए मेरे साथ बनाइए। इसके लिए मेरे को 3 कलर के पेपर चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 कलर्स लिए मैंने, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। ट्राई कलर से ये डिजाइनिंग बनेगी, शुरू करते हैं। अब हम एक स्क्वेयर पीसेस काटेंगे 3 कलर्स के अलग अलग, जिसमें मैं 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ, 10 सेंटीमीटर का पेपर ले रही हूँ। यहाँ से मैंने निशान लगा रही हूँ 10 सेंटीमीटर, और इसी तरह से हम यहाँ से निशान लगाएंगे 10 सेंटीमीटर। ये देखिए 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर ये हम पीस कट करेंगे। ये देखिए मैंने पीस काट लिया है। इसी तरह से हम और पीसेस भी काटेंगे, और इसी तरह से हम ग्रीन के पीसेस काट लेंगे इस पे निशान लगाते हुए। ग्रीन के पीसेस काटेंगे और इसी तरह से हम ऑरेंज के पीसेस काटेंगे। तो ये देखिए मैंने ग्रीन के निशान लगा दिए, ये हम ग्रीन के पीसेस कट कर लेते हैं, और इसी तरह से हम ऑरेंज के पीसेस ऑरेंज पे भी निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही साइज के चाहिए सारे। इसको भी काट लेते हैं। ये देखिए इसके भी मैंने पीसेस काट लिए हैं, 3 के मैंने पीसेस काट लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने कितने पीसेस काटे हैं। तो ये ऑरेंज वाले के हम लोग 16 पीसेस काटेंगे, 16 ऑरेंज के काटेंगे, और वाइट के हम 10 पीसेस काटेंगे, और ग्रीन के हम 11 पीसेस काटेंगे। तो हमें इतने पीसेस काटने हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप, जो जो मैंने बताया उतने ही काटने हैं। ये देखिए ऑरेंज के हमने 16 पीसेस ले लिए, व्हाइट के हमने 10 लेने हैं, और ग्रीन के हमने 11 पीसेस लेने हैं। इस तरीके से हमें लेना है, तो चलिए काट लेते हैं 16, 10 एंड 11 पीसेस। ये देखिए हमने अब पीसेस काट लिए, ये 11 पीसेस काटे ग्रीन कलर के, और ये 10 पीसेस काटे व्हाइट कलर के, और ये 16 पीसेस काटे ऑरेंज कलर के। ये सारे काट लिए हैं, और एक मैंने सर्कल काटा है, 15 इसका रेडियस है, एक सर्कल हम बड़ा सा काट लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए इसका हमने इस तरह से कोन बनाना है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें कोन बनाना है, और सभी कोन इसी तरीके से बनाने हैं। यहाँ पर हम फेविकॉल लगा देंगे और इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सभी कोन बनाने हैं। एक में और बना लेते हैं। ये देखिए इसको यहाँ से ये वाली जगह से फोल्ड करेंगे, और ऐसे दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे, और इसको चिपका देंगे, फेविकोल लगा के चिपका देते हैं। ये पेस्टल शीट से बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा मोटा होता है, तो इसको थोड़ी देर दबा के रखना पड़ेगा, जिससे कि हम इजीली चिपक जाए। तो ये देखिए ये कोन बन गया।
इसी तरह से हम सारे कोन बना लेंगे। ये देखिए ये कोन बन गया है। इसी तरह से हम सभी कोन बना लेंगे। अलेवन ग्रीन के, 10 व्हाइट के और 16 ऑरेंज के हम कोन बना लेंगे। ये देखिए हमने सभी कोन बना लिए हैं। अब हम इनको एडजस्ट करते हैं इस व्हाइट शीट पर। तो सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर करूंगी वो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इसको हम यूज करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इसको हम ऐसे थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। और फिर हम दूसरा भी लेंगे, इसी के साथ ही लगा देंगे। इस तरह से करते हुए हम पूरा सर्कल पूरा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते हुए इसको हम पूरा करेंगे। हम सारे लगा देते हैं। ये देखिए सारे सर्कल में लग गए हैं हमारे। अब हम व्हाइट वाले लगाते हैं। अब हम व्हाइट वाले लगाएंगे। उसको हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में लगाना है। इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे कि दोनों के बीच में आ जाए। थोड़ा सा नीचे करते हैं इस तरीके से। तरीके से हम साथ साथ करके लगा देंगे। ये देखिए हमने व्हाइट पीसेस भी लगा दिए हैं। अब हम ग्रीन पीसेस लगाते हैं। सेम इसी तरीके से इसके मिडिल में से शुरू करते हुए लगाएंगे। इस तरीके से लगा लो। इसको भी सभी को लगा देते हैं। अब ये देखिए हमने ग्रीन भी लगा दिया, बीच का स्पेस खाली है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से इसको थोड़ा सा काट देंगे जिससे कि आराम से इजीली आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा हम काट देते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से काट दिए। अब तीनों को हम यहाँ पर फेविकोल लगा के एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा फूल बन के रेडी है। इस तरीके से ट्राई कलर का फ्लावर आप इसको वॉल हैंगिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या कहीं भी डेकोरेशन करनी है वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए, खुद बनाइए, डेकोरेशन कीजिए। इसी तरह से मैं वीडियोस फिर लाती रहूंगी, इस तरह से और वीडियोस भी बनाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।